हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूं इलेक्शन के बारे में कि एक आम लोगों को कैसे वोट के लिए अपने एक प्रतिनिधित्व को चुनना चाहिए। ये चुनाव जातिवाद का नहीं होना चाहिए, ये चुनाव धर्म का नहीं होना चाहिए, ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। जो काबिल है उसे आप वोट दीजिए। वोट देने का क्या है क्राइटेरिया, आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरे लिए सही प्रतिनिधित्व करेगा, ये मेरे लिए सही, मेरे लिए खड़ा रहेंगे हमेशा? तो इसके लिए दो पैरामीटर हैं, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि क्या वो नेता, क्या वो प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो सक्षम है, क्या आपके लिए लड़ सकता है, काबिल है। काबिल इन द सेंस कि उसका एजुकेशन है, बोलने में कैसा है, क्या वो बोल पाता है जनता के बीच में, क्या उसके अंदर करने का एक बर्निंग डिज़ायर है कुछ चेंज करने के लिए। जब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा इस देश में तब तक कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। रेवोल्यूशन इन द सेंस टू सर्टेन चेंज। तो आपको भी अपना वोट, अपना कीमती वोट जाति पे इस बार नहीं देना है, धर्म पे नहीं देना है, ये सब के ऊपर उठकर अपने प्रतिनिधित्व को चुनिए। ये ना देखिए कि हमारा नेता कौन है, यानी कि अगर आपको एक दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे, ऐसे आपको चुनाव कभी नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपको यह देखना है कि मेरा प्रतिनिधित्व काबिल है कि नहीं हमारे इलाका के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी आपके इलाका में ना आके नहीं डेवलपमेंट करेंगे। आपके लिए आपका प्रतिनिधित्व अगर वो काबिल होगा, या कोई भी पार्टी से हो काबिल होगा, तो आपके प्रतिनिधित्व वो आपका डेवलपमेंट करेगा। तो आपको ये क्राइटेरिया पहली फुलफिलमेंट करना है कि वो काबिल है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, बोलने में सक्षम है कि नहीं, वो कर सकता है कि नहीं। ये ना देखना है कि कौन पार्टी से है, कौन धर्म से है, कौन जाति से है। आपको इस बार चुनाव देना है, निष्पक्ष होकर अपना वोट दीजिए। धन्यवाद।